अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया के तमाम देशों ने इस वक्त रूस पर अलग अलग प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ कर दिया कि दुनिया चाहे उन पर कितनी ही बंदिशें लगा दे, वो झुकने वाले नहीं हैं। खास बात यह कि वे अपने देश पर लगे प्रतिबंधों की काट अब पुतिन ने अपने प्लान ऑयल से निकाल ली है, यानी कच्चे तेल के जरिए अब पुतिन दुनिया का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या है पुतिन की तेल वाली साजिश, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तेल से पुतिन बिगाड़ेंगे बाइडेन का खेल। पाबंदियों के खिलाफ पुतिन का नया प्रहार। दुनिया देखेगी रूस की क्रूड ऑयल कूटनीति। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भले ही कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन पुतिन के खिलाफ पश्चिमी देशों और यूरोप का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रूस को कई मोर्चों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर ऐसे प्रतिबंध इसीलिए लगाए हैं ताकि रूस को सबक सिखाया जा सके। लेकिन रूस पर पाबंदियों का प्रहार करने वाले देश इस मुगालते में हैं कि वो जिन बंदिशों को रूस पर लगा रहे हैं उनसे वो रूस का बाल भी बांका कर सकेंगे। और ऐसा महज इसलिए क्योंकि जंग के साइड इफेक्ट के बारे में पुतिन पहले ही बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। असल में रूस का विरोध करने वाले देशों को लग रहा था कि कच्चे तेल पर बैन लगाकर वो रूस की कमर तोड़ देंगे, लेकिन पुतिन ने तेल का जो अर्थशास्त्र तैयार किया है वो पुतिन के विरोधियों पर ही भारी पड़ सकता है। खबर है कि पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की है। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने यह दुनिया को अच्छी तरह से समझा दिया है और साफ संकेत दिया है कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं। रूस ने साफ कह दिया है कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अब रूस के सामने अचानक ये संकट खड़ा हुआ कि पश्चिमी देशों की तरफ उसका जो तेल पहुंचा करता था वो उसका क्या करे। इसके लिए पुतिन ने रूस की तैयारियों का खुलकर जिक्र किया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए पुतिन ने दो रास्ते निकाले हैं। पहला रास्ता ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए, दूसरा ये कि नए ग्राहक तलाशे जाए। रूस के लिए नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों के बावजूद रूस का बाल भी बांका नहीं होगा। ऊपर से इस तरह के डील में फायदा भी दोनों देशों का होगा। क्रूड ऑयल को लेकर पुतिन की नीति क्या कहती है, इसका जिक्र खुद रूस के ऊर्जा मंत्री ने किया है। दुनिया में कच्चे तेल का भाव चाहे $80 प्रति बैरल हो या फिर $150 प्रति बैरल, नए ग्राहक या यूं कहिए कि ऐसे देश जो रूस का तेल खरीदने के लिए तैयार हो उन्हें किसी भी कीमत पर तेल देने के लिए रूस तैयार हो।
किसी भी कीमत का मतलब ये कि नए ग्राहक बनाने के लिए रूस भारी भरकम डिस्काउंट देने को तैयार है। खबर है कि भारत और चीन के साथ भी उसका सौदा ऐसी शर्तों पर हुआ है जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा, जो अचानक उसके अपने ही देश में सड़ने की नौबत आ गई थी। मतलब ये कि वो तेल था जो निकाला तो जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी चांदी। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले से ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले से ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।